दोस्तों आपके कहने पर एक और ट्रेंडिंग टेम्पलेट आपके लिए लाया हूँ, जो आपको साइड में दिख रही होगी, ये बहुत वायरल हो रही है आजकल, बहुत ट्रेंडिंग में इंस्टाग्राम पे चल रही है। आप इसे एडिट सिर्फ एक क्लिक में कर सकते हो, सिर्फ एक क्लिक में। तो बिना किसी देर के चलते हैं एडिट की तरफ, मतलब भाई वीडियो एडिट करने। चलो भाई दोस्तों, सबसे पहले आपको VPN को इंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टर्बो VPN लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ए VPN जो लोगो दिख रहा है, ए VPN आपको सिंपली इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद पजल कैप का टेम्पलेट डालना है, सिंपली पजल कैप का टेम्पलेट, ठीक है। सेकेंड वेबसाइट आएगी, उस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपकी ये वेबसाइट खुलेगी, थोड़ा टाइम लेती है, आपके नेट पे डिपेंड होती है। उसके बाद सबसे पहले ही ये इंटरफेस आएगा और नीचे लिखा हुआ होगा रेड कलर में, यूज टेम्पलेट इन कैपकट। उसको सिंपली आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद क्या होगा मैं बताता हूँ कि ये एडिट के लिए आपके कैपकट में चली जाएगी, ठीक है। नीचे ऐसा इंटरफेस आएगा, क्लिक करने के बाद नीचे कॉर्नर पर लिखा हुआ होगा यूज टेम्पलेट, उसको सिंपली क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपकी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी में जो फोटो पे आप इफेक्ट डालना चाहते हो वह सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं रोहित का फोटो है ये डाल रहा हूँ। फिर आपको नीचे कॉर्नर पर प्रीव्यू पे सिलेक्ट कर लेना है सिंपली। ये प्रोसेसिंग होने लगेगी, एडिट होने लगेगी आपकी वीडियो, 100% पे आपकी एडिट होकर रेडी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि टाइम ले सकती है, आपके कहता हूँ मैं, आपके नेट पे डिपेंड होती है कितनी जल्दी एडिट हो जाए कितनी जल्दी नहीं, ठीक है। ये एडिट हो गई है, ठीक है, आराम से एडिट हो गई है। मैंने इसका जो वॉल्यूम है, मतलब आवाज़ है, मैंने भाई हाइड कर रखी है, इसलिए भाई कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए हाइड कर रखी है। तो ये वीडियो आपकी एडिट होगी कुछ ऐसी दी, ठीक है। आपको करना क्या है, सिंपली ऊपर कॉर्नर पे जाना है, एक्सपोर्ट का बटन दिख रहा होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे होगा कि आपकी ये वीडियो सेव हो जाएगी आपकी गैलरी में। आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, सिंपली मैं करके दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट मैंने क्लिक किया, फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको एक्सपोर्ट विदाउट मार्क पर क्लिक करना है। और यदि आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दोगे तो आपका ऊपर कैपकट का सिंबल आएगा, वो बटरमार्क हटेगा। तो एक्सपोर्ट बटरमार्क पर क्लिक करना है। ये प्रोसेसिंग होगा पूरा 100% होने के बाद आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो भाई कैसी लगी वीडियो? ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नई टेम्पलेट आपके लिए लाता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।